दोस्तों, सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पंडोकर सरकार के दरबार में प्रश्न पूछते नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी हार का कारण पूछ लिया। पंडोकर सरकार लोगों के मन में रखे सवालों को पहले ही पर्ची पर लिखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि वह लोगों के नाम पता भी अपनी शक्तियों से बताने के लिए चर्चाओं में रहते हैं। दोस्तों, दरअसल में मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अक्सर सुर्खियों में रहने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। अगले 4 साल फिर चुनाव आने वाले हैं। इसे लेकर नेताओं की आस्था मठ मंदिरों में बढ़ गई है। हाल ही में ही इमरती देवी पंडोकर सरकार के दरबार में पहुंची है। देखिए इस वायरल वीडियो में। बस बैठिए, पकड़िए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊं, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुंच पाऊं। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया, नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे पक्ष पकड़िए, हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग है, पूरी दुनिया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मैन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी, इसी के लिए आपको साधुवाद आशीर्वाद। पंडोकर सगा का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं, लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। जाओ, आपकी नातिन को जवान प्राप्त होगी, लेकिन पंडो का सगा लेके आओ। चलिए लीजिए। इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पंडो का दाम आए तब मैं आपके बारे में बताऊंगा।